हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वायरल मेनिया में। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि दूध एक बहुत जरूरी चीज है जो लगभग हर घर में प्रयोग किया जाता है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे दूध के गुणों के बारे में जानकारी नहीं हो। दूध का उपयोग तो हर कोई करता है, लेकिन इसके असली और नकली होने की पहचान शायद हर किसी को नहीं होती। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। उसमें तीन ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें से ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम सभी लोग इस बात को तो जानते हैं कि आज के दौर में मिलावट का चलन भी कितना बढ़ गया है। मांग ज्यादा और आपूर्ति कम होने की वजह से मिलावट में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकतर लोग दूध का सेवन ऐसे ही कर लेते हैं, हर कोई इसको जांचना जरूरी नहीं समझता। आज हम इसी जानकारी के मध्य दूध को जांचने में आपकी मदद करेंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे आप घर में ही इस दूध को जांच कर सकते हैं कि दूध असली है या नकली, जिससे आपको काफी मदद मिलेगी कि यह दूध असली है या मिलावटी। यह जानकारी विभिन्न जगह से ली गई है। पहला है दूध की सुगंध। ये तरीका सिंथेटिक दूध का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर आप दूध को सूंघेंगे तो उसके अंदर से साबुन जैसी गंध आने पर ये पता लगेगा कि इसमें सिंथेटिक है, वरना असली दूध में किसी तरह का कोई सुगंध नहीं होती। दूसरा, दूध का स्वाद। अगर आप असली दूध को पिएंगे तो वह स्वाद में मीठा लगेगा, वही नकली दूध को पीने में वो थोड़ा कड़वा लगेगा, जो कि डिटर्जेंट और सोडा मिले होने के कारण होता है। तीसरा, दूध में पानी की मिलावट को भी चेक करना। दूध में पानी के मिलावट की पहचान के लिए दूध को एक काली सतह पर छोड़ें। अगर दूध के पीछे एक सफेद लकीर दिखे तो दूध असली है। किसी चिकनी लकड़ी या पत्थर की सतह पर दूध की एक या दो बूंद टपका कर देखें। अगर दूध बहता हुआ नीचे की तरफ गिरे और सफेद धार सा निशान बन जाए तो दूध शुद्ध है। अगर आपके पास कोई काली सतह या वस्तु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूध की कुछ बूंदे अपने अंगूठे पर डाल दीजिए। यदि वो बहता हुआ कोई निशान न छोड़े तो समझ लीजिए कि दूध में पानी मिला हुआ है। चौथा, दूध को दोनों हाथों के बीच रगड़ें। ये शायद आपके लिए सबसे आसान तरीका हो। अगर आप असली दूध को अपने हाथों के बीच में रगड़ेंगे तो कोई चिकनाहट महसूस नहीं होगी, वहीं नकली दूध को रगड़ने पर डिटर्जेंट जैसी चिकनाहट महसूस होगी। पांचवा, दूध में हल्दी मिलाकर देखें। दूध की कुछ बूंदे एक कटोरी में डालकर हल्दी में मिलाएं। यदि हल्दी तुरंत गाढ़ी न हो तो इसका मतलब है इसमें मिलावट है। छठा, दूध में पानी मिलाकर इसकी जांच करें। पहले आप आधे कप पानी में तेजी से थोड़ा सा ऊपर से दूध गिराएं। यदि उसमें झाग आ गया तो इसमें डिटर्जेंट मिलावट है। सातवा, मोमबत्ती से पता करें कि दूध की शुद्धता। सबसे पहले कांच के एक ग्लास में दूध भर लें, फिर मोमबत्ती जलाएं और ग्लास को मोमबत्ती की लो के ऊपर करीबन एक फीट की ऊंचाई पर पकड़ें और देखें कि मोमबत्ती की लंबी दिख रही है या फिर फैली हुई है। अगर मोमबत्ती की लो लंबी दिख रही है तो दूध असली है या नकली। आठवां, दूध को सामान्य ज्यादा गर्म के लिए ज्यादा देर तक उबालें। यदि उसके बाद मलाई पीले रंग की जमती है तो इसमें यूरिया व अन्य मेडिकल केमिकल मिले। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जितना हो सके इसे शेयर करें ताकि आपको दूध की असली या नकली की पहचान हो सके या आपके करीब लोगों को। थैंक यू।